सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पूरा भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मना रहा है। इसे लेकर पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के आइडियल कोचिंग संस्थान में बाल दिवस मनाया गया। कोचिंग संस्थान के संचालक अभिषेक चौरसिया समेत दर्जनों बच्चे शामिल हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शिक्षक व बच्चों ने उनके जन्मदिवस मनाया। कोचिंग संचालक अभिषेक चौरसिया ने बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में विस्तार से बतलाया। कहा बच्चों के प्रति बेहद प्रेम और लगाव था उन्हें। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों के लिए बेसुमार प्यार लगाव और उनके लिए किए गए कार्यों को लेकर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को हर वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रुको जी थोड़ा सा। आज 14 नवंबर है, चाचा नेहरू जी का जन्मदिन। हमारे लिए खास दिन बाल दिवस है। इस खास दिन के दिल से शुभकामनाएं। हम सभी आज यहाँ आइडियल कोचिंग सेंटर में बाल दिवस मनाने के लिए जुटे हैं। मैं स्वप्निल चौरसिया, मेरे पिता उपेंद्र चौरसिया, मैं संत मेरियम स्कूल एवं आइडियल कोचिंग सेंटर के छात्र हूँ। चाचा नेहरू जी का जन्मदिन एवं बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखो बाल दिवस का दिन आया है, बच्चों के लिए खुशियाँ लाया है। आम मिलकर सब इसे मनाए, लोगों को बाल अधिकारों की बात बताए, सब तक यह संदेश पहुँचा कर देश को और भी खुशहाल बनाए। 14 नवंबर को आता है यह दिन जो है चाचा नेहरू जी का जन्मदिन, जिन्होंने सबको शांति का मार्ग दिखलाया, विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया। बाल अधिकारों को समर्पित है यह दिन, जिसके लिए हमें काम करना है हर दिन। आम मिलकर लोगों तक संदेश पहुँचाए, लोगों को बाल अधिकारों की ललक जगाए, क्योंकि देश तभी खुशहाल रहेगा जब बच्चा बच्चा अपना अधिकार जानेगा। चाचा नेहरू अमर रहे।